दोस्तों जैसा कि आपको पता है न्यू अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर आपको ये वाली न्यू जैसी भी देखने को मिली है, जिसकी कॉपी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे एंड जो दिखने में भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। एंड आपको ये जैसी भी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसका चीट कोड क्या है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ आपको ये वाला न्यू रोबोट देखने को मिला है, जिसकी कॉपी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे। तो ये रोबोट भी कैसा लग रहा है आपको ये भी जरूर बताना। एंड इसके अलावा जो आपका न्यू वाला हाउस है उसकी टीवी को आप कैसे ऑन कर सकते हो, इसका चीट कोड क्या है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ जिम को कैसे एक्टिवेट करना है इसका चीट कोड भी आ चुका है, तो इसका चीट कोड भी पता लगने वाला आपको। इसी के साथ आपको न्यू एलिफेंट देखने को मिला है एंड काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कुछ एनिमल्स को भी ऐड करो, तो एलिफेंट के अलावा भी आपको काफी सारे नए एनिमल्स देखने को मिले, तो सभी के चीट कोड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ आपको न्यू पुलिस फॉर्च्यूनर देखने को मिली है, इसके अलावा भी आपको काफी सारे नए व्हीकल्स देखने को मिले हैं, तो सभी के चीट कोड यार आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना एंड वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को कर दो एक प्यारा सा लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और देखो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाके कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे क्या होगा ना, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका 100% वहां पे जवाब दूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको जैसी भी का चीट कोड बता देता हूं। तो देखो जैसी भी है ना, आपको दिखने में कुछ ऐसी लगती है, तो आपको ये जैसी भी कैसी लग रही है, मुझे तो भाई काफी अच्छी लग रही है एंड ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। एंड इसके अंदर हम बैठ के भी देख लेते हैं, देखो बैठ चुका हूं मैं जैसी भी के अंदर एंड बैठने के बाद भी देख सकते हो काफी अच्छी लग रही है हमारी जैसी भी। एंड इसके अंदर आपको देख सकते हो चारों तरफ काफी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे एक साइड आपको 4 कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, एक साइड आपको 6 कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं एंड नीचे की तरफ आपको 4 कंट्रोल अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो इन कंट्रोलों की मदद से आप किस तरीके से जेसीबी को यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो जेसीबी के जो कंट्रोल है उनको यूज करने के लिए आपको काफी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले एक साइड आपको 4 कंट्रोल दिख रहे होंगे तो इनके बारे में आपको बता देता हूं। देखो इनकी मदद से जो आगे वाला सूंड है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे मिट्टी वगैरह भर सकते हो, आगे वाले सूंड को इससे यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा नीचे की तरफ भी आपको 4 अलग से कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, 2-2 के, तो इनकी मदद से आप पीछे वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर उठा सकते हो। इस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे ना इन कंट्रोल की मदद से पीछे वाला जो हिस्सा है इसको उठा दिया है ऊपर, इस तरीके से आप ऊपर उठा सकते हो। अब बात की जाए जो एक साइड आपको 6 कंट्रोल देखने को मिलते हैं इनका क्या यूज है, तो देखो इन 6 कंट्रोल की मदद से जो पीछे वाला सूंड है उसको आप दाएं बाएं सब तरीके से मोड़ सकते हो, इससे भी आप मिट्टी वगैरह भर सकते हो। तो ये काफी अच्छा है, मतलब इसके अंदर जितने भी जेसीबी के जो फीचर है वो सारे के सारे इस जेसीबी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। तो देखो अब आपको पता चली गया होगा कि भाई जेसीबी के कंट्रोल को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो काफी आसानी से आप इनके कंट्रोल को यूज कर पाएंगे। तो काफी अच्छा अपडेट है ये जेसीबी का, मुझे तो भाई जेसीबी काफी अच्छी लगी एंड आपको कैसी लग रही है जरूर कॉमेंट करके बताना एंड इसको फुल टाइम आप यूज कर सकते हो। अब देखो मैं आपको जेसीबी का चीट कोड बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको काफी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, इसके बाद आपको जेसीबी का चीट कोड पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको ट्रिक करने के लिए कहीं पर भी आ जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है अपने सेलफोन को निकालना है एंड उसके अंदर आपको 8000 डायल करके हेलीकॉप्टर को स्पॉन करा लेना है, उसके बाद आपको इसके जस्ट साइड में एक बाइक को स्पॉन करा लेना है एंड उसके बाद थोड़ा और दूर आना है एंड उसके बाद फिर से आपको एक और हेलीकॉप्टर स्पॉन करा लेना है, उसके बाद उसके जस्ट साइड में एक बाइक को स्पॉन करा लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से हेलीकॉप्टर एंड बाइक को स्पॉन करा रखी है इसी तरीके से आपको करानी है। जब आप इस तरीके से करा लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक हेलीकॉप्टर के पास जाना है जहाँ पे बाइक खड़ी हो, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, दोनों में जब बैठने की कोशिश करोगे तो दोनों के कंट्रोल एक साथ आ जाएंगे एंड आपको क्या करना है, बाइक को ना पीछे ले लेना है। जब आप पीछे ले लोगे तो आपका हेलीकॉप्टर वहीं रहेगा एंड बाइक को आपको थोड़ी पीछे लेनी है जिस तरीके से मैंने ली है। उसके बाद बाइक से उतर जाना है एंड उसके बाद दूसरे हेलीकॉप्टर के पास आपको चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइक पे बैठ जाना है और बाइक को फिर से पीछे ले लेना है जिस तरीके से फर्स्ट वाले हेलीकॉप्टर की बाइक पीछे ली थी। अब देखो आपके पास दोनों हेलीकॉप्टर के कंट्रोल आ जाएंगे बिना बैठे ही एंड जब आप कंट्रोलों पे दबाओगे तो देखो हेलीकॉप्टर दोनों एक साथ उड़ने लगेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखो आप हेलीकॉप्टर को दोनों को दाएं बाएं कहीं पर भी उड़ा सकते हो एंड ये
काफी अच्छी ट्रिक है, ट्राई जरूर करके देखिएगा, मुझे काफी अच्छी लगी। एंड इसके अलावा आप इस ट्रिक की मदद से काफी सारे हेलीकॉप्टर को एक साथ उड़ा सकते हो भाई, ये काफी अच्छी ट्रिक है एंड वर्क भी करती है। अब देखो मैं आपको जेसीबी का चीट कोड बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको काफी सारे और भी व्हीकल्स देखने को मिले उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये वाला रोबोट देखने को मिला है, तो आपको ये रोबोट कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना कॉमेंट करके। अब बात की जाएगी जो नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिली है, वो आपकी टीवी ऑन का चीट कोड। तो देखो टीवी को आप कैसे ऑन कर सकते हो, तो देखो अभी के टाइम पे आप जब भी हाउस के अंदर जाओगे तो आपको टीवी ऑन करने का कोई भी चीट कोड नहीं मिलता है, लेकिन आपको है ना अब जो न्यू अपडेट आ रहा है उसके अंदर टीवी ऑन करने का चीट कोड भी देखने को मिलेगा एंड उसकी मदद से आप टीवी को ऑन भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक समस्या आ रही है, जब भी इसके अंदर कोई वीडियो को ऐड किया जा रहा है तो इसमें क्या है ना कॉपीराइट आने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से क्या है ना प्ले स्टोर वाले इसको है ना ऐड करने नहीं देते हैं एंड इस वजह से है ना टीवी ऑन करने का चीट कोड आपको क्या बताऊं नहीं मिल पाएगा। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई टीवी ऑन करने का चीट कोड आ नहीं सकता है, क्योंकि डेवलपर तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन फिर गेम में है ना कॉपीराइट आने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से आपका गेम भी डिलीट हो सकता है। इस वजह से है ना इसके अंदर टीवी ऑन करने का चीट कोड अभी तक नहीं आ पा रहा है। तो देखो इसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, अगर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ना आपको देखने को मिलेगा अगले महीने, उसी के अंदर आपको टीवी ऑन करने का चीट कोड मिल जाएगा। और देखो दोस्तों इसके अलावा जो जिम है हमारे हाउस के अंदर, उसको अब एक्टिवेट करने का चीट कोड भी आने वाला है, जिसकी मदद से आप है ना उस जिम के अंदर जिम कर पाएंगे एंड उसके जितने भी फीचर्स हैं उनको सबको यूज कर पाएंगे। तो इसका चीट कोड भी आपको नेक्स्ट अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा एंड नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा गाइज। इसके अलावा काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई न्यू एनिमल्स को ऐड करो, तो देखो जुरासिक पार्क के अंदर अभी के टाइम पे सिर्फ आपको डायनासोर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जल्दी न्यू अपडेट आने वाला है उसके अंदर आपको बहुत सारे न्यू एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको टाइगर देखने को मिलेगा, एलिफेंट देखने को मिलेगा, उसके अलावा एनाकोंडा जो बड़ा वाला बिग सांप है वो भी देखने को मिलेगा, उसके अलावा और भी काफी सारे आपको है ना न्यू एनिमल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा काफी टाइम से आप लोगों की एक डिमांड हो रही थी भाई कोई पक्षी नहीं है मतलब हमारे गेम के अंदर, मतलब जैसे चिड़िया वगैरह कबूतर वगैरह, तो इस तरीके के आपको है ना बहुत सारे बर्ड वगैरह भी मिल सकती हैं न्यू अपडेट के अंदर। एंड इसके अलावा देखो न्यू अपडेट के अंदर आपको न्यू कार शोरूम भी देखने को मिलेगा, वैसे तो अभी के टाइम पे आपको कार शोरूम देखने को मिलता है लेकिन उसके अंदर आपको इतनी ज्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अब न्यू कार शोरूम आ रहा है उसके अंदर आप कार्स को बाय एंड सेल भी कर पाएंगे एंड उसके अंदर आपको अलग से एक बाइक का शोरूम भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा अपडेट है एंड इसके अंदर आपको काफी अच्छा कार शोरूम देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छा चीज आ रही है। तो आपको ये कैसी लग रही है कॉमेंट करके इसके बारे में मुझे जरूर बताना। एंड इसके अलावा काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कोई न्यू कार ऐड करो, जैसे जी वैगन है, निसान GTR है एंड इसके अलावा ओल्ड वाली थार थी तो उसको भी फिर से ऐड करो। तो देखो आप लोगों के ऊपर है इन तीनों कार में से कौन सी कार आनी चाहिए, अगर आप जिस कार की ज्यादा डिमांड करोगे उसी कार को नेक्स्ट अपडेट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उसके अंदर कौन सी कार को ऐड किया जाना चाहिए। अब देखो बात की जाए कि भाई जेसीबी का चीट कोड क्या है, तो देखो अभी तक जेसीबी की क्लिप ही आई है एंड जो नेक्स्ट अपडेट है उसी के अंदर आपको जेसीबी का चीट कोड पता लगेगा, अभी अपडेट आया नहीं है, नेक्स्ट मंथ तक आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो किसी और चीज को भी ऐड करवाना तो जल्दी सा कॉमेंट करके बता दो। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।